सलाम मोबाइल की सिम को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे नीचे लिखा है सलाम सर्विस स्टोर, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सलाम स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैकेज आ जाएंगे पोस्ट पेड और प्रीपेड। तो आपने प्रीपेड जो है उसको सिलेक्ट करना है, पोस्ट पेड को सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे पोस्ट पेड को सिलेक्ट कर नहीं करते, प्रीपेड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने पैकेज आ जाएंगे सोलो इन्फिनेट और सोलो। आपने सोलो वाला ऑप्शन जो है अगर एक आदमी के लिए खरीदना चाहते हैं तो उसको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो है आपने डिटेल चेक कर लेनी है कि 40 GB इंटरनेट अनलिमिटेड है, 3 दिन के लिए है और इसकी प्राइस जो है 74 विदाउट वैट है और सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, न्यू लाइन स्विच टू सलाम मोबाइल। तो न्यू लाइन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही न्यू लाइन पे आपने क्लिक करना है आपके सामने मुख्तलिफ नंबर आ जाएंगे, कोई एक नंबर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इकामा नंबर लिख देना है। इकामा नंबर लिख देने के बाद जो नीचे आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी मुल्क से हैं अपने मुल्क का नाम नीचे से सिलेक्ट आपने कर लेना है। तो चलिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इकामा है, जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल मसलन के जब आपको डिलीवरी वाला फ़ोन करेगा तो आपको आपने अपना नाम लिखना है, आपने वो ऊपर अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पर फ़ोन करेगा और ईमेल लिखना है जिस पर आपको बिल मिलेगा। तो यहाँ पर मैं तीनों डिटेल जो है वो भर देता हूँ। ऊपर में नाम लिखना है, नीचे में अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। कोई भी आप अपना ईमेल जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, ग्रीन हो गया है, तो आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके नंबर पर OTP कोड आएगा, जो कोड आपने लगाया नंबर लगाया था। कोड लगा देने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी जो है लोकेशन लगानी है। लोकेशन जो लगाएंगे आपको डिलीवरी भी उसी लोकेशन पर ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपने लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी लोकेशन जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने तकरीबन 5-10 सेकंड इंतज़ार करना है ताकि मुकम्मल तौर पर आपकी लोकेशन जो है वो ओपन हो जाए। उसके बाद नीचे कन्फर्म है तो इसको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करेंगे तो नोट वाली जगह पे आपने कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंस्टेंट डिलीवरी का और शेड्यूल का। इंस्टेंट डिलीवरी का मतलब है कि आप ऑर्डर करेंगे तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको सिम जो है वो रिसीव हो जाएगी। डिलीवरी वाला आपको उसी टाइम में ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद कॉल करेगा और आपसे आपकी लोकेशन जो है वो कन्फर्म करेगा, फ़ोन करके पूछेगा कि आप किस लोकेशन पर हैं, तो आपको 1 घंटे के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उस दिन फ्री नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप शेड्यूल पर क्लिक करके आप अपना जो है वो कोई भी दिन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं शेड्यूल पे नहीं करूँगा, इंस्टेंट डिलीवरी पे करूँगा ताकि मुझे जल्दी से सिम मिल जाए। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर डिटेल चेक कर लेनी है। 74 रियाल का जो पैकेज है, यानी 74.5 रियाल का पैकेज है और 11 रियाल आपको जो है वो वैट पड़ेगा। टोटल 85.68 जो है हलल आपको पड़ेंगे, यानी 85 रियाल और 68 हलल। तो लोकेशन भी आपने चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने आई एक्सेप्ट सलाम्स टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो है चेक आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको चेक आउट कर देते हैं। जैसे ही चेक आउट करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड और मादा पे। अगर तो आपका मोबाइल मादा पे सपोर्ट करता है तो आप जो है मादा पे के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं, उसमें आपका ऑलरेडी कार्ड ऐड होता है। इसके अलावा अगर आपके पास लेदर से कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके आपके सामने यहाँ पे जो है वो प्रोसेस का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपसे कार्ड की जो डिटेल है वो मांगेगा। तो यहाँ पे आपने अपने कार्ड की जो डिटेल है वो लगा देनी है। कार्ड की डिटेल यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाता है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। कार्ड की डिटेल आपने भर देनी है। ऊपर में आपको कार्ड नंबर लिखने को बोलेगा, उससे बाद में नीचे लिखेगा नेम ऑफ द कार्ड होल्डर कि आपके कार्ड के ऊपर जो नेम है वहाँ पर आपने अपना कार्ड का नेम लिख देना है। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट, कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखनी है और कार्ड के पीछे जो CVV कोड होता है वो कोड लगा देना है। जैसे कोड लगाएंगे तो सबसे नीचे ग्रीन पट्टी में पे नाउ का ऑप्शन होगा, तो आपने उस पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा।
उसके बाद आपके नंबर पर OTP कोड आएगा जिस बैंक का आपने कार्ड ऐड किया होगा उस बैंक की जानब से। तो हमें OTP कोड मिल चुका है, अब यहाँ पे हम अपना जो है OTP कोड लगा देंगे। OTP कोड लगाने से पहले ऊपर में आपने अपनी जो टोटल अमाउंट है वो चेक कर लेनी है। तो OTP कोड हम यहाँ पे लगा दिया है, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ा वेटिंग के बाद जो है हमारा ऑर्डर जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करके हम अपने मेन मेन्यू पे आ जाते हैं। तो इस तरह आपने जो सिम है ऑनलाइन ऑर्डर कर लेनी है। सिम ऑर्डर करने के बाद हम सिम को एक्टिवेट कैसे करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसके रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन हम बताएँ आपको तो वो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मिलती रहे। तो इस तरह आपने ऑर्डर को कम्प्लीट कर लेना है। एक्टिवेट कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।